दोस्तों अगर आप विंडोज 10 यूजर हैं तो आपने विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में एक प्रॉब्लम जरूर फेस की होगी। जब आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में किसी भी एप्लीकेशंस या गेम्स को आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक एरर मैसेज शो होता है और इस एरर मैसेज के साथ आपको एक एरर कोड भी यहाँ पर आपको शो होता है, जिससे वह एप्लीकेशंस या गेम्स आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो पाती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस एरर मैसेज को कैसे सॉल्व करें। दोस्तों मैं आपको यहां पर कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की यह प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से यह एरर मैसेज को आप परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में इस खास टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करते हैं और किसी भी एप्लीकेशन या गेम्स को डाउनलोड करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं तो आपको ट्राई डेट अगेन इस तरह का एरर मैसेज यहाँ पर शो होता है और इसी के साथ आपको यहाँ पर एक एरर कोड भी शो होता है जो कि 0x8000403 इस तरह का एरर कोड भी आपको यहाँ पर शो होता है। और अगर आप रिफ्रेश द पेज पर क्लिक करते हैं तो यह आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से एग्जिट कर देता है, जिससे आप किसी भी एप्लीकेशन या गेम्स को आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आप इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं। तो इस एरर कोड को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिन्हें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से इस एरर कोड को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सर्च बार पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सर्विसेस टाइप कीजिए और इसे ओपन करें, जिससे यहाँ पर सर्विसेज की विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप कीबोर्ड से W प्रेस करते हुए आपको विंडोज अपडेट को फाइंड करना है और विंडोज अपडेट पर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज पर क्लिक कीजिए, जिससे विंडोज अपडेट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद स्टार्टअप टाइप में आपको यहाँ पर विंडोज अपडेट डिसेबल या ऑटोमेटिक पर सेट होगा, तो इसे आप यहाँ से मैनुअल पर सेट करें और अप्लाई करके ओके करें और दोबारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करें और किसी भी एप्लीकेशन या गेम्स को इंस्टॉल करें, जिससे वह एरर आपको शो नहीं होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। अब दोस्तों दूसरी मेथड में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से भी डाउनलोडिंग एरर वाली प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो उसके लिए आपको यह कोड कॉपी करना है। दोस्तों मैं आपको यह कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद सर्च बार में विंडोज पावर सेल टाइप करें और इसे ओपन करें और वह कोड आप यहां पर पेस्ट करें। उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करते हुए वह कोड आप यहां पर पेस्ट करें और सिंपली कीबोर्ड से आप इंटर प्रेस करें, जिससे वह कोड यहां पर जनरेट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसे क्लोज करें। अब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को दोबारा ओपन करें और किसी भी एप्लीकेशन या गेम्स को आप यहां पर सर्च करें और उस एप्लीकेशन को आप यहां से डाउनलोड करें, जिससे आप देख सकते हैं यहां पर डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें।